सो गाइस ये पुशअप्स जो अभी मैं करने वाला हूँ, ये पुशअप्स को आप अपने ट्राइसेप्स के लिए जरूर करना क्योंकि ये हे गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 पुशअप्स ट्राइसेप मसल्स के लिए, और ये सेकंड और थर्ड वाला जो है ना वो बहुत ही अच्छा पुशअप्स है आपके ट्राइसेप मसल को ग्रो करने के लिए। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक का। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो थम्स अप बटन या लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक का शेयर करना। तो आज हम ट्राइसेप मसल को टारगेट करने के लिए ये ईटा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डायमंड पुशअप्स लगाएंगे क्योंकि किसी भी मसल को जब हम टारगेट करते हैं तो उसे पहले नॉर्मल से स्टार्ट करके पंप करेंगे, उसके बाद फिर हम एडवांस में जाएंगे। आप जब भी पुशअप्स लगाते हो तो आपको अपना बॉडी पोस्चर का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप ट्राइसेप्स को टारगेट कर रहे हो तो गलत लगाने से आपका वो चेस्ट या शोल्डर में चला जाता है। तो आपको अपने बॉडी पोस्चर का ध्यान रखना है, खास करके लेग का, लेग को आपको सटा के रखना है। ज्यादातर पुशअप्स लेग को सटा कर ही किया जाता है। तो एक सेट नॉर्मल डायमंड पुशअप्स हमारा कंप्लीट होता है। अब हमें ईटे के साथ में लगाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पकड़ रहा हूँ, आपको भी इस तरह से पकड़ना है। और ये आपके ट्राइसेप मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा पुशअप्स है। आपको सभी पुशअप्स को 3 सेट 10 रैप्स टोटल 30 रेपिटेशन लगाना है। मैं एक एक सेट कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आपको मुझे बताना है। और ध्यान रहे कि आपको बैलेंस बनाकर रखना है, ऐसा ना हो कि करते करते आप गिर जाए और आपको इंजरीज हो जाए, तो ऐसा ना हो, आप देख करके बैलेंस बना के करें, नहीं हो तो पहले आप नी के साथ भी कर सकते हो। सो गाइस ये पुशअप्स जो अभी मैं करने वाला हूँ, ये पुशअप्स को आप अपने ट्राइसेप्स के लिए जरूर करना क्योंकि ये पुशअप्स मैं बहुत करता हूँ और इससे मेरा ट्राइसेप में बहुत ही मेरे ट्राइसेप को पंप मिलता है। तो आप भी अगर मचिया नहीं हो तो कोई भी ऊंचा सा देखकर सामान में भी आप कर सकते हो। और गाइस आप जब भी वर्कआउट करते हैं तो आपको वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद में स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, क्योंकि इससे होता है क्या है कि हमारे मसल में जो परत होते हैं वो खिंचाता है तो हमारा मसल ग्रो होता है। सो गाइस आज का वर्कआउट यहीं पर ही डन होता है। आप स्ट्रेचिंग करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, और आप शेयर नहीं करते हो अपने दोस्तों तक का, जिसे जरूरत है उसे शेयर करना।